आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। शक्तिनगर शिव धर्मशाला में ध्यान योगी योगाचार्य राजकुमार दास बिलीव इन योरसेल्फ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एक कदम सेवा शांति निष्ठा धर्म की ओर आओ हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएं, वरिष्ठ नागरिकों की ओर तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें शांति दूंगा, टूटते पारिवारिक रिश्तों को लेकर खासकर बुजुर्गों को अपने बच्चों द्वारा वृद्धा आश्रम में छोड़े जाने को लेकर खास चर्चा की गई। इस मौके पर योगी योगाचार्य राजकुमार दास जी ने इंडिया A1 न्यूज से खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया A1 न्यूज और इस वक्त हमारे साथ है योगाचार्य गुरु राजकुमार दास जी। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? हमने एक सोचा कि जो अपने माँ बाप को बाहर निकालते हैं या प्रेम नहीं है परिवार में, माता पिता में प्रेम है, बच्चों में माता पिता में प्रेम नहीं है, उस प्रेम को कैसे बढ़ाएं। और हमने छोटी सी बात में दो लाइनें लिखी कि भैया हम कैसे सम्मान करें बुजुर्ग लोगों का, और इनके सम्मान करने के लिए हमने हर 3 महीने बाद इस तरीके से हम प्रोग्राम करेंगे लोगों के लिए, जिसे जन जागरण की तरह हम काम करेंगे लोगों के लिए, जिसे प्रेम दोनों के अंदर बेटे और माओ में या परिवार में कैसे प्रेम है, हम इसके लिए हम कार्य करने जा रहे हैं। बिलीव योर सेल्फ होता क्या है कि कई बार जो बुजुर्ग आदमी होते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं जगता, तो हम कैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, कैसे उनको अपने आप पर भरोसा करें। वो आज के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? हम चाहते हैं समाज से ज़्यादा समाज करे कि हम लोग कि संसार के लिए हम काम करें, इन लोगों के लिए काम करें, कल को हमको भी बुजुर्ग बनना है। कोई बात नहीं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ा तो आज आपने बहुत सारे लोगों का सम्मान भी किया जो समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सम्मान तो ये लोग हकदार हैं, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं लोग, और बच्चे अपने बेटों से प्यार करते हैं, बेटियों से प्यार करते हैं, तो इसलिए हमने लोगों को सम्मान किया, जिससे कि लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सम्मान दें लोगों को आगे। लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करूँ, क्योंकि माँ बाप ही होते हैं, भगवान कहीं और नहीं बसता, माँ बाप के अंदर बसता। आजकल परिवार में दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं, बेटा माँ बाप को नहीं रखना चाहता, माँ बाप बेटे के साथ नहीं रहना चाहते, इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? माँ बाप और बेटे नहीं रखना चाहते, वो समझने की देरी दूर करते हैं, क्यों समझना नहीं चाहते, क्यों समझना इसलिए नहीं चाहते कि वो लोग कहते हैं कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, वो कहते हैं कि उसने क्या काम किया, माँ बाप ने वजन हमें जन्म दिया था, इससे बड़ा और क्या देंगे हमें, वो हमें मनुष्य होने जन्म दे दिया, इससे बड़ा क्या कर सकते हैं। वो माँ 9 महीने में पेट में रखती है, उससे बड़ा क्या हो सकता है हमारे लिए। आज आपके मंच के माध्यम से ही मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि आजकल वृद्धाश्रम में जो है भीड़ बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है? वृद्धाश्रम नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि वृद्धाश्रम जहाँ जहाँ बनेंगे वहाँ से लोग ज़्यादा से लोग उनको भेजेंगे, तो मेरा मन तो ये है कि वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए। आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिससे इस समस्या से लोगों को समझ में आए कि माँ बाप के साथ रहना चाहिए? इससे यही कहूँगा मैं आपसे कि भैया आप भी समझो, कल को हमने भी बुजुर्ग बनना है या माता पिता नहीं होते तो हम कहाँ से मनुष्य होने जन्म मिलता हमें, इससे बड़ा मैसेज क्या हो सकता है? वो थे तब हमें जन्म मिला, नहीं तो हमें जन्म नहीं मिलता। इस तरह के मैसेज देने के लिए आप इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं, आज के मंच पर क्या कुछ खास है? इससे पहले से ये था कि हम लोगों को बुलाते थे, बताते थे, माँ बाप के बारे में बताते थे, हमने क्या किया कि दोनों को कम्बाइंड किया, यंग भी होंगे और बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, छोटे बच्चे भी होंगे, जैसे समझे लोग हम करके निकलने क्या जा रहे हैं।
जिससे हम परमात्मा से जुड़े और अपने जीवन को आगे निकालें। थैंक यू। इस कार्यक्रम में आई महिला जिन्होंने कोरोना काल में नर्सेस को ट्रेनिंग दी और लोगों को खासकर बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए नर्सों को विशेष प्रशिक्षण दिया, उन्होंने इंडिया एवन न्यूज से खास बातचीत की। ये सर ने बहुत तारीफ कर दी, इतनी मुझे मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, बट हाँ जहाँ मैं काम करती हूँ ग्योथा इंस्टीट्यूट दिल्ली और ये ग्योथा इंस्टीट्यूट कोची केरला त्रिवेंद्रम का एक इनिशिएटिव था और नॉर्का गवर्नमेंट केरला की, उन्होंने नर्सेस को चूज़ किया ताकि क्योंकि जर्मनी में बहुत ज़रूरत है इस समय नर्सेस की, डॉक्टर्स की, बहुत स्पेशली आफ्टर पैंडमिक कोविड की वजह से वहाँ बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली ओल्ड एज लोगों के लिए बहुत ज़रूरत है इस समय। तो उनको ट्रेनिंग दी गई है लैंग्वेज की, क्योंकि ताकि वो वहाँ पर रह सके, वहाँ पर हॉस्पिटल्स में काम कर सके, क्योंकि वहाँ पर जर्मन भाषा यूज़ की जाती है और जर्मन अगर नहीं आएगी तो हॉस्पिटल में काम करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, आसपास में घर में शॉपिंग जाना हो, कुछ करना हो, उसके लिए लैंग्वेज और ट्रेनिंग, वहाँ कैसे रहा जाता है, वहाँ के वहाँ का कल्चर कैसा है, तो ये सब चीज़ें मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर एक नर्स बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर अपना हर टाइम उस पढ़ाई में लगा रहे हैं, उस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, और जो भी ट्रेनिंग हम वहाँ देते थे उसको सीरियसली लेते थे, उसको पढ़ते थे, अगले दिन मतलब मोटिवेशन बहुत देखा मैंने वहाँ। तो आई एम हैप्पी कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और आगे और भी यहाँ बाहर ही नहीं यहाँ पर भी यही मोटिवेशन के साथ सब काम करें। आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। आप दिल्ली से केरल जा करके वहाँ पर नर्सों को बहुत सारी हिम्मत दी लोगों को काम करने के लिए कोविड जैसे टाइम में, क्या कहना चाहेंगे? यही, और मुझे मोटिवेशन देना पड़ा, लेकिन मैंने ये देखा कि काफ़ी लोगों में ऑलरेडी था कि सब में सबके अंदर, क्योंकि बहुत मेरे साथ थे नर्सेज जो 10-10 सालों से हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, उनको बहुत एक्सपीरियंस था, तो वो क्यों छोड़ के जाएंगे यहाँ पर अपने बच्चों को, अपने फैमिली को। तो एक तो अपॉर्चुनिटी ये कि हाँ वहाँ पर पैसे ज़्यादा मिलेंगे, एक अच्छी लाइफ मिलेगी, लेकिन हाँ उनके अंदर ये भी था कि हाँ मैम वहाँ पर ज़रूरत है अभी। ऐसा ही एक हुआ था 1960s में, बहुत सारी नर्सेज को भेजा गया था, तो वही इनिशिएटिव दोबारा लिया जा रहा है ताकि बेटर हो सके वहाँ पर। अब जो सिचुएशन है बहुत प्रॉब्लम है अभी वहाँ, लाइक मुश्किल है लोगों का अकेले रहना पैंडमिक के बाद, स्पेशली ओल्ड एज लोगों को दवाइयाँ, अकेले हर चीज़ नहीं हो पाती है। तो नर्सेस का मैं आई वुड अप्रिशिएट ऑल द नर्सेस जो लोग कोरोना काल में डॉक्टर और नर्सेस का बड़ा योगदान रहा है सभी के स्वास्थ्य को ध्यान रखने में, क्या कहना चाहिए? वो तो है ही, और अपनी हेल्थ को पीछे रखते हुए डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में भी दिखते थे, क्लिनिक्स में भी दिखते थे, नर्सेज का बड़ा अहम रोल रहा है। हाँ, क्योंकि 24 आवर्स में से 23 आवर्स तो नर्सेज ही पेशेंट्स के पास रहती थी और वो डरते नहीं थे, तो ये तो बहुत ही लाइक इट्स अप्रिशिएबल कि हाँ उन्होंने अपनी हेल्थ को पीछे छोड़ा और हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए आगे रहते हैं। बच्चों द्वारा बुजुर्गों के साथ हो रहे व्यवहार को बयां करते और वृद्धा आश्रम के बारे में बताते हुए वरिष्ठ नागरिक ने इंडिया एवन न्यूज से कहा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि राजकुमार जी के मन में जो वृद्धाओं की तरफ आकर्षण है, जो उनके लिए उनका सेवा का करने का मन में वो प्रयास है, वो बहुत सराहनीय है। आज से 4 वर्ष पहले मेरा इनका साथ हुआ, उस वक़्त हमने एक पलवल में एक वृद्धाश्रम था जो 30 वर्ष पुराना था, वो करीब करीब जर्जर अवस्था में था, तो हम लोगों ने मिलके उसको फिर से मतलब रीबिल्ट किया और उसमें इनका, मेरा, रामनिवास जी झंवर, आपके श्री अनिल जी का गिरानी, हम लोगों का बहुत सहयोग रहा। उस वक़्त से उसमें पुरुष भी महिलाओं भी सब वहाँ पर आके अपने जो निराश्रित लोग थे उनकी सेवा शुश्रूषा का काम किया, तो उससे भी पहले ये बहुत काम होते रहे हैं, आज भी होते रहेंगे। लेकिन मेरी एक धारणा और है, मैं ये समझता हूँ कि लोग ये समझते हैं कि वृद्धावस्था जो है एक मतलब बोझ है, एक उसको वो अपने सिर पे बोझ लेके चलते हैं, कुछ उससे संतुष्ट नहीं रहते,
कुछ संतुष्ट होते हैं, पर मेरे कहने का मतलब है कि असल में जो 60 वर्ष के बाद की उम्र है वही जीवन का सहार है। उसमें आपने जो कुछ अब तक नहीं किया आगे आपको करने का अवसर मिलता है। आज के जो बच्चे हैं युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपने माँ बाप का? मेरे भगवान की दया से तीन पुत्रियाँ हैं, तीनों विवाहित हैं, अपने अपने घर पर हैं। मैंने 58 वर्ष की उम्र में ही अपने पैतृक व्यवसाय से क्या नाम रिटायरमेंट ले लिया था। ज्वेलरी का मेरा काम है और रिटायरमेंट होके मैंने अपने आप को समाज महेश्वरी समाज की सेवा में समर्पित किया। धीरे धीरे महेश्वरी समाज से अग्रवाल समाज, वैश्य समाज, जैन समाज, बहुत मतलब हर समाज में मेरा आना जाना रहा और जहाँ तक हो सका मैंने अपने तन मन धन से लोगों की सेवा करने की चेष्टा की है और करता रहूंगा। इस कार्यक्रम में परिवार को बच्चों द्वारा अपने माता पिता को वृद्धा अवस्था में वृद्धा आश्रम छोड़ने की बात को लेकर कई लोगों ने अपने विचार रखे। बच्चों द्वारा बुजुर्ग माता पिता के बारे में नहीं सोचने और उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़े जाने की मानसिकता में सुधार की आवश्यकता है। आपको हमारा ये बुजुर्गों के बारे में सोच रखने वाले योगी योगाचार्य का बिलीव इन योरसेल्फ कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। देश विदेश संस्कृति और फिल्मी दुनिया के ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज। जो रखे आपको A1।